सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेस ऑल इन वन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ एक्टर यानी कि महेश बाबू के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महेश बाबू की लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी, कार, हाउस, फैमिली, इनकम, एज, एजुकेशन, वाइफ, और वो एक महीने का कितना करोड़ रुपए कमाते हैं और पर फिल्मों के लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं, और 2021 में उनकी नेटवर्थ तो कितनी हो चुकी है, और महेश बाबू के पास कौन कौन सी लग्जरी और एक्सपेंसिव कार्स है, इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और अगर आप महेश बाबू के फैंस हैं तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जे सॉल इन उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रियल नेम के बारे में। तो इनका रियल नेम है महेश घट्टा मननी और निक नेम है नानी, प्रिंस एंड सुपरस्टार, लेकिन सब इन्हें महेश बाबू के नाम से ही जानते हैं। प्रोफेशन से एक एक्टर, प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1975 यानी कि 1975, और 2021 के हिसाब से अगर इनकी एज की बात की जाए तो 2021 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 46 ईयर्स, यानी कि अभी 46 साल की हो चुके हैं। वहीं अगर इनके बर्थ प्लेस की बात की जाए तो इनका बर्थ प्लेस है चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। महेश बाबू नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। तो इनका आई कलर ब्राउन एंड इनका हेयर कलर ब्लैक है, और इनकी हाइट लगभग 6.2 फीट है, और इनका वेट 70 किलोग्राम है। अब बात करते हैं महेश बाबू के एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो महेश बाबू ने अपने स्कूल की पढ़ाई एस्टेबेरेस एंग्लोज इंडियन हाइगर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की है। वहीं अगर इनके कॉलेज की पढ़ाई की बात की जाए तो महेश बाबू ने अपने कॉलेज की पढ़ाई लॉयला कॉलेज चेन्नई से ही की है, और इनका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि इन्होंने बीकॉम कर रखा है। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। तो महेश बाबू ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। बहुत दिनों तक के इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारी फिल्मों में काम किए, लेकिन इनको मेन रोल 1999 में मिला था। इनकी फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था राजा कुमारो, तो इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था जिसमें प्रीति जिंटा थी। उसके बाद महेश बाबू ने बहुत सारी तेलुगु, तमिल, कन्नाडा, मलयालम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। शुरुआत में तो इन्हें यहाँ से इतना प्यार और सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन बाद में इनकी फिल्में हिट और ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इनकी जान पहचान, फैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। महेश बाबू ने बहुत सारी फिल्में दी है, जैसे कि नंबर वन, मेरी अदालत, सम्राट, खिलाड़ी भैया, टपोरी, जलसा, स्पाइडर, बिजनेसमैन, और भी बहुत सारी फिल्में इनकी ब्लॉकबस्टर रह चुकी है। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को महेश बाबू की कौन सी बेस्ट मूवीज़ पसंद आती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो महेश बाबू की फैमिली के अंदर इनकी मदर, इनके फादर, इनके दो भाई और इनकी तीन बहनें हैं। इनके फादर का नाम है कृष्णा खट्टा मननी और इनकी मदर का नाम है इंदिरा देवी, और इनका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है रमेश बाबू, और इनका एक स्टेप ब्रदर है जिसका नाम है नरेश बाबू। जैसे गाइस, आप इनके भाइयों को इन फोटोज़ में देख सकते हैं। बात करते हैं इनकी सिस्टर के बारे में। तो इनकी तीन बहनें, नंबर एक पर आती है पद्मावती, नंबर दो पर आती है मंजुला, और नंबर तीन पर आती है प्रिया दर्शनी। ये इनकी तीन बहनें हैं, जैसे गाइस आप स्क्रीन पर फोटोज़ देख सकते हैं। बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तो महेश बाबू ने नम्रता शिरोडकर से शादी कर ली है, ये भी एक साउथ की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। और मैं आप लोग बता दूं, इनके लव मैरिज हुई है और इनसे इनको दो बच्चे भी है, एक सन है और एक डॉटर है। इनके बेटे का नाम है गौतम कृष्णा और इनकी बेटी का नाम है सितारा। जैसे गाइस आप इनकी फैमिली को इन फोटोज़ में देख सकते हैं। अब बात करते हैं महेश बाबू के कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास फर्स्ट जो कार है वह है रेंज रोवर वॉगियो, जिसका प्राइस है 2.4 करोड़ रुपीज़, एंड सेकंड जो कार इनके पास वो है मर्सिडीज बेंज GLS 350D, जिसका प्राइस है 88 लाख रुपए, एंड थर्ड नंबर पर जो कार आती है वह है 730LD, जिसका प्राइस है 1.38 करोड़ रुपीज़, और फोर्थ नंबर पर जो कार आती है वह है टोयोटा लैंड क्रूजर V8, जिसका प्राइस है 1.5 करोड़ रुपीज़, और फिफ्थ नंबर पर जो कार आती है वह है मर्सिडीज बेंज E280D, जिसका प्राइस है 50 लाख रुपीज़। महेश बाबू के पास इतनी सारी लग्जरी कार्स है। अब बात करते हैं इनके इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी पर मंथ की इनकम के बारे में। तो महेश बाबू की पर मंथ की इनकम 30 से 40 करोड़ रुपए होती हैं। जी हाँ, इनकी पर मंथ की इनकम 30 से 40 करोड़ रुपए होती है। वहीं अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो महेश बाबू की नेटवर्थ 2021 में हो चुकी है $30 मिलियन। जी हाँ, $30 मिलियन इनकी नेटवर्थ हो चुकी है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 230 करोड़
करोड़ रुपए के बराबर, जी हाँ 230 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, महेश बाबू पर फिल्मों के लिए 22 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और महेश बाबू का खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जो कि इनके नाम से ही है, यहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, महेश बाबू प्रोड्यूसर भी, इन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी कर रखी है। और महेश बाबू ने अपना बहुत सारा पैसा बहुत सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है, यहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसीलिए इनकी नेटवर्थ तो 30 मिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है, यानी कि 215 करोड़ रुपये। तो गाइज़ ये थी महेश बाबू की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जेएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना आप नेक्स्ट वीडियो किस साउथ के एक्टर या एक्ट्रेस पर देखना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।